अच्छा उस टाइम इसलिए एक समय जो कीर्तन करते करते क्या हुआ कि काजी आकर के पहले हरि कीर्तन कर रहे हो, हिंदुओं का इतना प्रचार हो रहे ही हर मुसलमान धर्म धरते जा रहा है, इसलिए क्या किया आकर उन्होंने उनका मंदिर को तोड़ दिया, पहले मजरा खाना करतला मजरा छीन लिया। मैं खबरदार और भजन अगर करोगे ना इसे फिर तो जेल बंद कर दिया जाएगा, सावधान कर दिया, जो बोल दिया सबके सब आकर के वहाँ पर पास में शिकायत और ये काजी ने देखो हमारे जो मरीजों को तोड़ दिया, हमारे जितना मजीरा करता छीन लिया और हमको शासन किया, अगर और फिर ऐसे कीर्तन किया फिर दिखा दूंगा मजा चढ़ा दूंगा। महापुरुष इतना सुन करके हमने मृदंग तोड़ दिया ना, हमने वो नहीं बलदेव नित्यानंद प्रभु, इसलिए बलदेव प्रभु तुमने मृदंग तोड़ दिया, महापुरुष तुमने नित्यानंद प्रभु तुमने तोड़ दिया, महापुरुष कल हम सबके सब सबको निमंत्रण दे दो, जितने नदिया में जितने सारे लोग सबको निमंत्रण दे दो, सबके सब ड्यूटी ड्यूटी कैन चो पहले ना इलेक्ट्रिक लाइट मैन को सुनने को मसाल क्या करते मसाल मसाल हाँ मतलब सबके सब एक एक विद्युत मसाल लाना। हाँ हम सबके सब कीर्तन करते करते हम एक काजी को ऊपर में आक्रमण करेंगे, इतने में कहते स्वर्ग के देवता लोग भी आ गए और जितने ना बद्दीप में थे जितने भक्त लोग सब के सब दो दो हाथ में मसाला ले आए और कहते एक साथ में दो हाथ में तो बजरा बजा रहे हैं और दो हाथ में तो हरि कीर्तन कर रहा, दो हाथ में दो चार हाथ में से हो गया, जब इन लोग का चार है तो सब चार चार हाथ हो गए, सब के सब चार चार हाथ हो गया था, इतने में ये सब के सब काजी के घर में आ गए। काजी ने जब सुन लिया अपना भक्तों को लेकर के आया था, काजी को डर के मारे एकदम अंदर घुस गया, क्योंकि हजार हजार लोग महा प्रभु के साथ अंदर में ये घुस गया, घुस करके और वहाँ से नहीं निकला और जितने महाप्रभु का भक्त उसको घर के ऊपर में चढ़ाई कर दी, जिसका जितना बाग बगीचा सब तोड़ फोड़ करके अपने नष्ट कर दिया और ये अंदर में घुस रहे करके महाप्रभु के चरण में गिर पड़ा। अरे प्रभु मैंने कभी ऐसी गलती काम नहीं करूँगा, मैंने रात में सपना देखा, बोले क्या सपना देखा, बोले एक पता नहीं एक अद्भुत जानवर कहाँ से आया, कौन था ये भगवान नरसिंह देव थे, बोले एक अद्भुत जानवर कहाँ से आया और आधा शेर और आधा इंसान और मेरे छाती के ऊपर बैठ गया, बोले तुमने मृदंग तोड़ दिया, तेरे हृदय को मैं फाड़ दूंगा तेरे हृदय को, और जैसे नरसिंह भगवान हिरण्य का सबको पेट को फाड़ दिए थे उन्होंने इसको छाती के ऊपर बैठ करके उनको नाखून को लगा दिया, जब लगा दिया ना उसने मैं उत्ताप उठा देख करके, बोले प्रभु मैंने गलती कर दी, कभी जिंदगी में ऐसे कभी गलत काम करूँगा नहीं, हमारा वंशा में अगर कोई व्यक्ति हमारा विरोध करेगा तो उससे भी मैं घर से निकाल दूंगा, इसलिए प्रभु मेरे को छोड़ दो माफ़ कर दो माफ़ कर दो। फिर जब महाप्रभु आए बोले प्रभु मेरे को माफ़ कर दो, मैं तो कभी तुम्हारे कीर्तन का विरोध करूँगा नहीं, अगर मेरे वंशा में भी कोई व्यक्ति तुम्हारी कीर्तन का विरोध करेगा तो मैं त्याज पुत्र त्याग दे दूँ। अभी भी उसी परंपरा में जो उनका परिवार में आए ना जो मुसलमान कोई विरोध नहीं करते महाप्रभु, सब भक्त बने हुए या अभी भी सबके सब भक्त बने हुए, इसलिए जब कोई हम भगवान की भक्ति करते हैं ना भगवान नरसिंह देव विशेष कृपा करते हैं। देखो एक रसिया में घटना हुई, ये रसिया की घटना है, रसिया की घटना हम गए थे उनको देश में, हम उनको देश में गए थे जहाँ पर घटना हुई, पहले रसिया था कम्युनिस्ट कंट्री, रसिया में कोई भजन भजन नहीं कर, कम्युनिस्ट कंट्री था, भगवान भगवान कुछ नहीं भक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए जिस समय इसको ने के भक्त लोगों को प्रचार कर रहे थे क्या किया उन लोगों को पकड़ लिया पकड़ करके उनका जेल में बंद करवा दिया, लेकिन उनको इतने पक्का निष्ठा था इतने पक्का निष्ठा, वो क्या करते थे माला फला छीन लिया, वो जो ब्रेड होता था ना जो ब्रेड होता था वो ब्रेड
सखी श्री सचिनंदन गौ हरी की। देखो जब उन्होंने शरीर छोड़ा काजी, जब शरीर छोड़ दिया ना, भगवान स्वयं महाप्रभु उन्होंने अपने गोद में लेकर के आए और यहीं पर उन्होंने समाधि दिया। और जो पेड़ देख रहे ना, ये एक फूल जानते ना, जो चंपा का फूल है, जो कटली चंपा चंपा है, देखो महाप्रभु ने उनको यहीं पर समाधि दिया। और एक लकड़ी लेकर के, जब पेड़ का लकड़ी लेकर के समाधि के ऊपर उन्होंने गाड़ दिया, वो गाड़ दिया तो धीरे धीरे वो चंपक बढ़ते 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 हो कितने बड़े। ये फूल का पेड़ इतना बड़ा नहीं होता, ये छोटा होता है, इतना बड़ा कहीं नहीं होता है, क्योंकि भगवान का हाथ में लगाया हुआ है, इसलिए फल दे फूल जा रहे हैं, क्योंकि उनका हाथ किसको लग जाएगा तो फल ये पेड़ है माता जी, मतलब भाई तो महाप्रभु का स्पर्श करने का फल मिलता है। सब उसको स्पर्श करो, प्रणाम करो और हर शाम को 4 बजे आ जाना। आज ये प्रभुपाद की और जहाँ जहाँ पर आज आएगा ना कथा, ठीक है।